वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लासेस में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आउटले मेथड समझेंगे, इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। तो बच्चे, किसी के एक्सपेंस को देखते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि वो जिस टाइप के कॉमोडिटी पे वो एक्सपेंस कर रहा है, वो कॉमोडिटी का नेचर कैसा है, वो इनइलास्टिक नेचर है या इलास्टिक नेचर है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको प्राइस में चेंज को भी ऑब्जर्व करना है और एक्सपेंडिचर को भी ऑब्जर्व करना है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, मैं आपको तीनों केस समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरा इस बात को समझिए, मैं एक एग्जांपल लूँगा पहले, इसको एक्सपेंडिचर मेथड या आउटलेट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे फिर उस पर क्या लिखा फिर पढ़ेंगे हम। चलिए, आज की क्लासेस में हम सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही पढ़ रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, अब आप यहां देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट एग्जांपल के लिए प्राइस लेते हैं, क्वांटिटी लेंगे और एक्सपेंस लेते हैं या एक्सपेंडिचर लेते हैं। लेट कर लीजिए कि भैया आपका जो प्राइस है वो 10 रुपीज है और आपके क्वांटिटी डिमांडेड आप 20 यूनिट्स करते हैं। प्राइस 10 रुपीज़ है और 20 यूनिट्स की आप डिमांड करते हैं। प्राइस मींस क्या होता है बच्चे? प्राइस मींस होता है कि वैल्यू ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट की जो वैल्यू होती है उसको हम प्राइस बोलते हैं। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास में जाते हैं, बोलते हैं कि भैया पेन कितने का, वो कहता है 10 रुपीज़ का, तो उसका मतलब नहीं कि 10 रुपये में आप पूरी दुकान का पेन समेट लोगे, एक ही पेन 10 रुपये का है। तो प्राइस मतलब वैल्यू ऑफ वन यूनिट, तो प्राइस 10 रुपीज़ है, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है और आप 20 यूनिट्स ले रहे हैं, तो आप बताओ जरा आपका खर्चा कितना हो जाएगा इसके ऊपर? तो आपका खर्चा इस पर 200 रुपये का हो जाएगा, तो आपका एक्सपेंडिचर 200 रुपये। क्लियर है? अब आप यहाँ पर इस बात को ऑब्जर्व करो कि जब प्राइस आपका इंक्रीज हुआ, तो जब प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो जनरली होता क्या है कि जो आपके पास में आप बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा है कि भैया जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूँ, लाइक 12 रुपीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज हुआ और अब आप कितना डिमांड कर पा रहे हो? 18 यूनिट्स का डिमांड करा। क्लियर है बच्चे? समझ आया? तो यहां पर आपके पास में टोटल कितने रुपए एक्सपेंस आपके हो रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे, ₹216 आपके एक्सपेंस हो रहे हैं। तो ये मैसेज क्या दे रहा है कि प्राइस बढ़ने के बाद ऐसा होना चाहिए था कि मुझे उस कमोडिटी को छोड़ के भाग जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। भैया जब कीमत बढ़ गई है उसकी, तो मैं क्यों लूं उसको? मैं नहीं लेता उसको, मैं कुछ और ले लूंगा, यही होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कीमत बढ़ी साथ साथ मेरा खर्चा भी पहले ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं उसको सेक्रीफाइस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे लिए नेसेसरी होगा, कहीं ना कहीं उसका सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। इट मीन्स मैं उसके डिमांड में चेंज ज़्यादा नहीं कर पाया। इसका मतलब उसका डिमांड का नेचर इनइलास्टिक है। क्लियर है? तो आपको क्या समझ में आया कि अगर आपका नोट, इफ इफ देयर आर इफ देयर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी एंड
एक्सपेंडिचर ऑन इट, इट्स कॉल्ड इनइलास्टिक। ये क्या होता है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक बोलते हैं। क्लियर है? तब फिर से रिपीट करता हूं बच्चे, देखो प्राइस बढ़ गया तो अगर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हम डिमांड कम करेंगे, ठीक है, तो अगर कमोडिटी का कोई सब्सिट्यूट मेरे पास में अवेलेबल होता तो मैं ज़्यादा मात्रा में डिमांड इसका छोड़ देता, जिससे कि कम लेता तो खर्चे भी मेरे पहले से कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइस बढ़ने के साथ साथ में मेरे खर्चे भी उस पर बढ़ते चले गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं उसको उतना सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कहीं सब्सिट्यूट नहीं हो पा रहा हूँ, उसका सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है वो गुड्स उसके डिमांड को मैं ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डिमांड का नेचर है वो क्या है? वो इनइलास्टिक नेचर है। क्लियर है? ये बात समझ में आए बच्चे? अगर प्राइस कम हो रहा है तो हो सकता मुझे इसको टूट के पढ़ना चाहिए, बहुत सारा भर के ले जाना चाहिए, खर्चा पहले से ज़्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, प्राइस कम हुआ मेरा खर्चा भी कम है, तो कहीं ना कहीं मैंने इसके डिमांड को ज़्यादा लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं करा, इनइलास्टिक नेचर है। क्लियर है? मैं और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। प्राइस है 10 रुपीज़, क्वांटिटी 20 यूनिट्स, एक्सपेंडिचर ₹200। प्राइस डिक्रीज हो गया 8 रुपये, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा 21 यूनिट। भैया लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई होगा ना, तो एक्सपेंडिचर 168 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? देख रहे हो आप दोनों केसेस को, मैं बात कर रहा हूं किसके? प्राइस, एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइस और यहां पर आप एक्सपेंडिचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना? क्या ऑब्जर्व करोगे? प्राइस इंक्रीज हो गया और एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस डिक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ? कम हुआ। तो जब आपका प्राइस और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होगा ना, तो वो इनइलास्टिक होगा, उसके उस जो कम्युनिटी जिसको आप ले रहे हैं, इस पर आप खर्च कर रहे हैं, वो इनइलास्टिक नेचर का है। कैसे भैया? प्राइस बढ़ा तो आपको कहीं और चला जाना चाहिए था, उसको क्यों ले रहे हो आप? बट आपके खर्चे भी साथ साथ बढ़ गए, मतलब कहीं ना कहीं आप उसको ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर पाए। जिस प्रपोर्शन में प्राइस बढ़ा उस प्रपोर्शन में डिमांड आपका कम नहीं हुआ। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नेसेसिटीज़ है, उसका सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो वो गुड्स का जो डिमांड है आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, डिमांड कम फ्लेक्सिबल है, इनइलास्टिक है। क्लियर है बच्चे? सिमिलर प्राइस कम हुआ तो आपको तो बहुत ज़्यादा ले लेना था उसको, बट आपने ऐसा नहीं, आपका एक्सपेंडिचर भी साथ साथ कम हो गया, तो कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जिस प्रपोर्शन में प्राइस डाउन हुआ उस प्रपोर्शन में आपने से क्वांटिटी को राइज नहीं किया, या उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में नहीं किया, इसके साथ आपका एक्सपेंडिचर भी नहीं बढ़े, उल्टा प्राइस साथ साथ कम हो गए, तो ये इनइलास्टिक नेचर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको ये? तो इसको हम क्या, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? ये सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इनइलास्टिक, ठीक है। अगर मैं इसके थोड़े से डायग्राम की बात भी कर लेते हैं साथ के साथ, फिर आपको जब लास्ट में डायग्राम बनाऊंगा तो वो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। मैं नीचे ही डायग्राम बना रहा हूं, छोटे से स्पेस में ही। एक्स क्या है मेरे पास में? प्राइस और नीचे क्या है? एक्सपेंडिचर। तो देखो बच्चे, प्राइस एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है ना, तो इसलिए इसका डायग्राम है ना आपका ऐसा ही बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन वाला। कैसा रहेगा दिखने में वो देखो, ये ऐसा रहेगा, ठीक है बच्चे? क्लियर है?
इसमें डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इनलास्टिक में ऐसा बनेगा। ये बता रहा है कि अगर आपका, ये बता रहा है आपसे कि अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो देखो आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएंगे, अगर प्राइस कम करा तो आपके एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? अब बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक, इसी अभी एक्सपेंडिचर मेथड खत्म नहीं हुआ। जैसे कि आप परसेंटेज मेथड में फाइव टाइप्स के आप ईडी कैलकुलेट कर सकते थे, इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, वो आप आउटलेट मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, आउटलेट एक्सपेंडिचर मेथड में आप परफेक्ट वाले कैलकुलेट नहीं कर सकते, परफेक्ट इनइलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बताया मैंने, बाकी दो और बता देता हूँ मैं आपको। चलिए, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड में ही, हम सेकंड पढ़ रहे हैं इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक में क्या ऑब्जर्व करेंगे आप कि लाइक जैसे कि आपका प्राइस है, यहां पे आपकी क्वांटिटी, ये आपका प्राइस हो गया और उसकी ये क्वांटिटी हो गई और आपका एक्सपेंडिचर हो गया। आप देखेंगे लाइक प्राइस आपका 10 रुपीज है, क्वांटिटी आप 20 यूनिट्स ले रहे हैं और एक्सपेंडिचर आपका 200 रुपये हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका? आपका 200 रुपये हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपका प्राइस क्या हुआ, प्राइस चलो हम इंक्रीज कर देते हैं लाइक 2 रुपीज, तो डिमांड कितना हो गया 15 यूनिट्स। तो बच्चे देखो, प्राइस बढ़ा तो आपके खर्चे क्या हो गए, सॉल्व करते हैं, 180 रुपीस हो गया। तो क्या पता लग रहा है आपका, दो चीजों का कंपेयर करेंगे, किसको, प्राइस और एक्सपेंडिचर को। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया आपने कि जैसे ही प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस बढ़ते ही कस्टमर उसको छोड़ करके भागा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसको छोड़ना आसान था भाई। जब प्राइस बढ़ा तो खर्चे उसके साथ, अगर लेता तो खर्चे साथ साथ ही बढ़ जाते, लेकिन खर्चे उल्टा कम ही हो गया। प्राइस बढ़ा उल्टा खर्चा कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर उसको छोड़ करके भागा है। इसके अंदर उसके डिमांड को सेक्रीफाइस करा, उसकी डिमांड को जब चेंज आ रहा है प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो उस सिचुएशन में क्या हो गया कि भैया वो डिमांड को सेक्रीफाइस कर पा रहा है, तो डिमांड में चेंज कर पा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी है डिमांड, इलास्टिक नेचर की डिमांड। तो जब प्राइस में से ज़्यादा प्रपोर्शन चेंज क्वान्टिटी में आ जाए, तो उस केसेस में आपका क्या होता है कि प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। प्राइस है, एक्सपेंडिचर है, क्वांटिटी है, एक्सपेंडिचर है। प्राइस 10 रुपीस, एक्सपेंडिचर 20 यूनिट्स एंड क्वांटिटी 20 यूनिट्स एंड एक्सपेंडिचर 200 रुपीस। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? अब प्राइस आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्राइस क्या हो गया, लाइक प्राइस मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, अब 18 रुपीस कर रहा हूँ, डिमांड मैंने कर दिया 30 यूनिट्स भाई, एक्सपेंडिचर हो गया 540 रुपए। तो क्या देख रहे हो आप, प्राइस
को देखो, एक्सपेंडिचर को देखो। प्राइस डिक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस कम होने से तो खर्चे आपके कम होने थे, पर खर्चा उल्टा और ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब आप टूट के पड़े हो उस पर, डिमांड आपने ज़्यादा की है। तो क्यों, डिमांड उसकी फ्लेक्सिबल नेचर के थे। तो यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक नेचर बोलते हैं, क्लियर है। और इस सिचुएशन में आपकी जो ईडी की वैल्यू है बच्चे, जो आपकी ईडी की वैल्यू है इलास्टिक में, तो आप भी जानते हैं कि क्या होता है, ग्रेटर देन वन होता है। डायग्राम की अगर हम बच्चे बात करते हैं, बस देखते जाएंगे सीखते जाएंगे अपना, आराम से सब कुछ आपको हो जाएगा। एग्जाम में करना क्या होता है आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लिख रहा हूँ, ये लिखना पड़ता है। क्या ही थ्योरी उसमें पढ़ोगे, बस बोल दोगे देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, हाँ जी। तो यहां पर बच्चे लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा, क्योंकि आपका जो प्राइस है ना, प्राइस है ना, और जो आपका एक्सपेंडिचर है उसके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अभी आपको दिखाता हूं कि जब आपका इसमें इलास्टिक में क्या हो रहा है। इलास्टिक में आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर नोट क्या बनाएंगे, प्राइस जब बढ़ा तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ, कम। प्राइस कम हो तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ, तो नोट बना के लिख दो आप इस पे, इलास्टिक के केस में। देर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड देर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, क्लियर है। दोनों में प्राइस इंक्रीज, अच्छा, मैंने इसमें गड़बड़ कर दिया है ना, ध्यान से देखा कुछ। अभी जिस सिचुएशन से ऑफ लेकर मैं आया हूँ वहाँ तो बच्चे हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, पीछे तो नहीं कर देते काम, मैंने नहीं पीछे कम कर देता। क्लियर है, समझ में आ गया। ये आपको पता लग गया इलास्टिक नेचर क्या होता है। एक बच्चे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर यूनिट इलास्टिक क्या होता है। थर्ड एंड लास्ट है इसका एक्सपेंडिचर मेथड का, यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक में क्या रहता है बच्चे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस है, एक्सपेंड क्वांटिटी है, एंड एक्सपेंडिचर है। तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे लाइक प्राइस 10 रुपीज़ है, क्वांटिटी 20 यूनिट्स है आपका, और आपका एक्सपेंडिचर 200 रुपीज़ है। अब प्राइस आपका 20 रुपीज़ हो गया, क्वांटिटी भाई प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी कम होगा ना, तो इसमें ऐसा कर दिया करो, जो प्राइस जो क्वांटिटी उसको प्राइस बना दिया करो, जो प्राइस है क्योंकि एग्जाम में तो याद करके जाओगे नहीं मुझे पता है, तो अब इसको प्राइस को क्वांटिटी बना दो, तो आप देखोगे एक्सपेंडिचर आपका क्या हो रहा है सेम। तो जब आपका पास में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, बट आपका एक्सपेंडिचर है ना कांस्टेंट हो, उस केस में
तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब आपके पास में है कि ई डी इज इक्वल्स टू वन। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक। इसका जो कर्व आप बनाएंगे वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। ऐसा क्यों बनेगा वो भी सुन लीजिए। पहले तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्राइस है, क्वांटिटी है, दिस वन। देखो प्राइस एंड क्वांटिटी आपका, सॉरी एक्सपेंडिचर, ये आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है बच्चे, अब देखोगे प्राइस अगर आप बढ़ा देते हैं तो भी एक्सपेंडिचर क्या है, सेम। प्राइस कम कर देते हैं तो भी एक्सपेंडिचर क्या है आपका, सेम। तो ये आपका यूनिट इलास्टिसिटी का आपका डायग्राम बनता है, क्लियर है। अब पूरा का पूरा आउटलेट मेथड का डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ, पूरा कंप्लीट एक्सपेंडिचर मेथड में। तो डायग्राम ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। कुछ ऐसे क्योंकि तीनों ही चीजें इसमें फॉलो हो रही है ना, दिस वन। क्लियर है बच्चे, ये क्या बता रहा है आपका, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, नीचे ये आपके एक्सपेंडिचर को बता रहा है, यहाँ पे आपका प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बच्चे वाई एक्सिस है, और ये सब डिमांड कर पे। क्यों, आप अगर यहाँ तक देखेंगे ना, कहाँ तक, यहाँ तक देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपका क्या नज़र आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है ना, प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर प्राइस, तो यहाँ पर आपके पसे में ये इनइलास्टिक है। ये देखोगे बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे ई डी इक्वल्स टू वन है, यूनिट इलास्टिक है। यहाँ लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो ये आपके पास में ई डी आपका लेस देन वन है, ये आपका सॉरी ग्रेटर देन वन है, ई डी इज ग्रेटर देन वन है। तो ये आउटलेट मेथड था पूरा का पूरा आपका, क्लियर है, समझ में आया बच्चे कि आउटलेट मेथड किसे कहते हैं। आप देखो जरा यहाँ पे, अब आप पढ़ो जरा थ्योरी क्या होता है, जो भी तक मैंने पढ़ाया समझाया उसको, अब हम जो आपको लिखना है आंसर कैसे लिखना है वो देखो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय यूजिंग द एक्सप्लेन एग्जांपल, एक्सप्लेन द टोटल आउटलेट मेथड, मैंने एग्जांपल लिया उसको एक्सप्लेन भी किया, रिलेशनशिप बताया, ऑफ द मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। फर्स्ट क्या कहता है, बाय यूजिंग द एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं सेम क्वेश्चन को, मैंने समझा दिया आपको वो, क्लियर है बच्चे। तो सबसे पहले आपसे क्या कह रहे हैं कि सिचुएशन वन ग्रेटर देन वन, मतलब कि इलास्टिक कब होता है, तो इलास्टिक जब होता है जब आपका प्राइस और एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशन होता है, जब प्राइस बढ़ गया तो उस आप साथ साथ खर्चे नहीं बढ़े, खर्चे कम कर दिए। क्यों, जब प्राइस बढ़ रहा है तो खर्चे कम कैसे हो रहे हैं आपके, और उल्टा खर्चा बढ़ना चाहिए था उस पर क्योंकि कीमत बढ़ गई है, नहीं क्योंकि आपने मात्रा का त्याग कर दिया है, क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर दी है, इसका मतलब डिमांड फ्लक्चुएट हुआ है, तो इलास्टिक नेचर होता है जब इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये क्या है, इलास्टिक, इसको बोलते हैं इलास्टिक। एंड प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इज द ग्रेटर प्रपोर्शन टू अ फॉल इन द प्राइस, हैंस द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। इन अदर वर्ड्स द प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है भाई, बात खत्म करते हैं यहाँ पर। इक्वल टू वन, तो सिंपल, चेंज इन द प्राइस देर इज द नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। और मित्र अगर वो ले लोगे तो और भी अच्छा बन जाएगा, सिंपल। लास्ट में हैंस द टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स दैट द प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर द मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, किसमें, इन इलास्टिक में, प्राइस बढ़ने के साथ खर्चा ही बढ़ रहा है, मतलब आप डिमांड सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो, क्लियर है बच्चे। ये पूरा डायग्राम हो गया इसका, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई।